सर आप किस पंचायत के मुखिया हैं? बड़ी बलिया उत्तरी। बड़ी बलिया उत्तरी के हैं। ये आज नवरात्रा का पहला दिन है, आप भगवती के उपासक भी हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे। आप ये बताइए कि 2019 का चुनाव बेगूसराय में क्या गुल खिलाने जा रहा है? 2019 का चुनाव जो है एनडीए का जो है सभी तक पक्ष में है और गिरिराज सिंह जो है यहाँ से विजय होंगे। अच्छा, गिरिराज सिंह विजय होंगे, आप क्या बोलते हैं? जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं वो तो वो बात बोले, आप क्या बोलिएगा बोलिए। गिरिराज सिंह जीतेंगे। क्यों गिरिराज सिंह जीतेंगे? आपके बगल के उम्मीदवार हैं तनवीर हसन, इसलिए जीतेंगे। या जो है प्रधानमंत्री जो है भाई नरेंद्र कुमार मोदी जी बहुत काम किए हैं। अच्छा। इसलिए उनके नाम पर जो है उनको वोट दिया जाएगा। गिरिराज सिंह जीते, मोदी जी के वो हाथ को मजबूत कर रहे हैं। मोदी जी को इसलिए हाथ मजबूत कर रहे हैं, उनका एक बेहतर सरकार बने और मजबूत सरकार बने जिससे हिंदुस्तान का कल्याण हो। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी भी मजबूत सरकार दे सकते हैं? नहीं। क्यों? इसलिए वह नहीं दे सकते हैं कि उनका जानाधार हिंदुस्तान में नहीं है। अच्छा, ये बताइए आप कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण विकास से आप कितना संतुष्ट हैं? हम बहुत संतुष्ट हैं, जो सरकार नीतीश बाबू का गाइडलाइन है उसके मुताबिक बहुत अच्छा काम चल रहा है। और नीतीश बाबू जो अभी दिए हैं 7 निश्चय में, इससे जो है से गांव गली घर नाली सड़क बहुत पक्कीकरण हो गया है। हम अपने पंचायत की बात करते हैं तो हम 100 से ऊपर रोड बनाए हैं PCC। अच्छा, 100 से ऊपर बनाए हैं। हाँ। टोटल कितना का काम हुआ होगा? अभी 7 निश्चय से लमसम 1.5 करोड़ का काम हो चुका है मेरे पंचायत। अच्छा, शौचालय का? शौचालय भी लमसम जो है इसे 2000 से 2200 हमारे पंचायत में बन चुका है, जिसमें 600-700 लोग का पेमेंट हुआ है। अभी भी 1200-1300 लोग पेमेंट के लिए बचा हुआ है, जो कि आश्वासन दे रहे हैं कि बारी बारी से सबका पेमेंट हो। चुनाव में इसका कोई असर भी है? नहीं, इसका कोई असर नहीं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण भोजन की सरकार जो दावा करती है, आपके पंचायत में जो आंगनबाड़ी केंद्र है, मिडिल स्कूल हैं, क्या आप वहां से संतुष्ट हैं? हाँ, वहां संतुष्ट हैं। समय समय पर मेनू के अनुसार जो है टीचर लोग खाना खिलाते हैं, आंगनबाड़ी सेविका भी जो है वह सब भी खाना वाना जो है समय पर बच्चा को सब खिलाते हैं। 2019 का चुनाव किस करवट बैठने जा रही है बेगूसराय? देखिए, 2019 चुनाव बेगूसराय त्रिकोणीय लड़ाई होगी। अच्छा, एक तरफ JDU माननीय तनवीर हसन जी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के श्री कन्हैया कुमार, गिरिराज सिंह BJP से। तीनों में अभी तो हम ये स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन आगे निकलेंगे कौन पीछे हैं, लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई है। और मैं आपसे आपको ये अवगत करा दूं कि मैं पंचायत स्तर से हूँ, सर्वदलीय हूँ, सब का हूँ, मैं कोई एक दल का नहीं हूँ, ना मैं किसी एक दल का मैं बात कर सकता। वोट किसको करेंगे? वोट तो करूँगा। किसको, देश में किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, देश में सबसे प्रिय मेरे लिए अगर आप कहिए, और भी जहाँ तक हमारे मित्र हैं सहयोगी हैं, ये सब हम मोदी जी को मानते हैं, लेकिन हमारे लीडर गिरिराज सिंह नहीं। तो ऐसा किस सिस्टम से हो पाएगा? जब आप यहाँ पे वोट नहीं करेंगे तो हम मोदी कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री? ये बात ठीक है, एक सीट से ऐसा कुछ होने वाला नहीं। सभी जगह लोग अगर ऐसा ही सोचना शुरू करें तो? जी जी, बात सही है। मेरा हमारा नेता जो था वो अगर रहते तो मैं खुल के कह सकता, आपके साथ शेयर कर सकता कि कौन यहाँ से जीत रहे हैं अभी। बेहतर कौन, तीन में बेहतर कौन? बेहतर मेरे लिए अभी जो है नया पीढ़ी का है,
बेहतर सबसे अच्छा वक्ता के रूप में, एक वक्ता के रूप में, एक बेहतरीन वक्ता हो जाने से क्या उनको सांसद बना देना चाहिए? जी, जो बोलेगा वही भ्रष्टाचार के रूप। अच्छा, जो बोलेगा नहीं तो, और जो बोलेगा वो भ्रष्टाचार ला नहीं सकता? हाँ, ये भी हो सकता है, आपका ये प्रश्न भी सही है। मोदी जी बहुत बोल रहे थे, लेकिन उनके विषय में लोग नारे लगवा रहे हैं कि चौकीदार चोर है। आप क्या हैं सर? मेरा नाम गोविंद पासवान हुआ, मैं लोक जनशक्ति पार्टी का जिला सचिव है और बलिया प्रखंड का प्रभारी है। मैं आज बड़ी खुशी का दिन है जो गिरिराज बाबू को नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं, और नॉमिनेशन ही नहीं, हम उनका जीत सुनिश्चित है और हम लोग दर्ज कराने जा रहे हैं और NDA का सरकार बनने जा रही है, इसमें कतई दिक्कत कहीं से नहीं है। हम लोग, आपको नहीं लगता है कि कन्हैया कुमार बहुत हंगामा मचा रहे हैं? वो मेढक हैं, मेढक हैं, ये भादो जब आता है तो मेढक बोलने लगता है, वही कन्हैया सिंह हैं। कन्हैया का कोई यहाँ बेगूसराय में कोई जगह नहीं है। हम लोग भूमिहार का वोट बटता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, भूमिहार वोट एकत्र दे रहे हैं और हम लोग NDA का पूर्ण बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। आप भी 1.5 लाख से ऊपर हैं? हम 1.5 लाख से एवं जीतने जा रहे हैं। नहीं, 1.5 लाख तो आपकी वोटर हैं। जी जी, पूरे बेगूसराय संसदीय में 1.5 लाख पासवान के भी वोटर हैं। तो हम लोग एकत्र वोट देने जा रहे हैं और गिरिराज बाबू बहुत, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जो CPI के कैडर थे वो जा रहे हैं उधर। नहीं, कहने को लग रहा, लेकिन हम लोग एकत्र वोट दे रहे हैं और गिरिराज बाबू बहुत वोट से जीतने जा रहे हैं, 1 लाख से अभव वोट से जीतने जा रहे हैं। बाबा, 2019 का चुनाव में क्या होने जा रहा है बेगूसराय में? भाई, चौतरफी हवा है, कोई कन्हैया को सपोर्ट कर रहा है, कोई दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, सच्चाई से तो अवगत नहीं है, लेकिन कन्हैया के बारे में सुने कि कन्हैया बेगूसराय का बेटा है, इसलिए लोग विद्यार्थी से लेके और नौजवान तक कन्हैया को साथ दे रहा है। बेटा तो तनवीर हसन भी हैं। तनवीर हसन हैं तो वो तो जब से हैं लोकसभा राज्यसभा में गए हैं, विधानसभा विधान परिषद कहाँ पूछो, किसी गरीब का उत्थान पतन किए हैं। अच्छा, इस वजह से कन्हैया कुमार ने ऐसा क्या कर दिया? ऐसा कुछ नहीं किया, युवा है, युवा को चांस मिलेगा, मिलना चाहिए। तो बेगूसराय की धरती का नाम रोशन किया है, आप मानते हैं? ये तो किसी ने नहीं किया है, जो भी किया है पैसे वालों को किया, गरीबों के प्रति तो कोई सरकार कुछ नहीं किया है। आप क्या करने जा रहे हैं? हम तो हमारा खासदार है भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का था, हम उसी को देखे, हारे चाहे जीते, लेकिन हवा तो उसके पक्ष है। जीत कौन रहा है ये वो निष्कर्ष निकालना दुश्वार कठिन है। आपको क्या लगता है? हमको क्या, जो महान लगता है उससे हम सोचते हैं त्रिकोणीय सा है। लेकिन आखिर इसमें निकलेगा कौन, ये भी मैं नहीं कुछ बता सकता हूँ। एक तरफ युवा है, एक तरफ दिग्गज नेता है।